जहां एक तरफ सांप्रदायिकता के नाम पर खून बहाया जा रहा है, जहां धर्म इंसानियत से भी बड़ा है, वहीं कुछ जगह ऐसी भी बाकी है जो आज भी सांप्रदायिक भाईचारे की मशाल जलाए हुए हैं। बरेली शहर के ये धर्म स्थल मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता की, मिसाल है हिंदुस्तानी तहजीब की और मिसाल है धर्म निरपेक्षता की। बरेली के चुन्ना मियाँ का मंदिर और बुद्ध वाली मस्जिद एकता की वो इमारतें हैं जिनके सामने धर्म के बीच खड़ी हर दीवार छोटी लगती है। 1960 में बना विष्णु लक्ष्मी का यह मंदिर फजल उर रहमान उर्फ चुन्ना मियाँ ने बनवाया था, जिसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा हुआ। मंदिर के निर्माण कार्य में चुन्ना मियाँ ने ना सिर्फ अपनी ज़मीन दान दी बल्कि खुद एक मजदूर की तरह कार्य भी किया। ये मंदिर आज भी मजहबी सीमाओं से कोसों दूर है। मैं वर्तमान में जगदीश सेठी, उपाध्यक्ष मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण। सन 1952 में जब हम लोग यहाँ, जब सन 1947 के बाद हम विस्थापित के रूप में यहाँ आए बरेली में, तो हमें अपना धार्मिक स्थल की एक आवश्यकता पड़ी कि हम कहाँ पर अपनी उपासना साधना कर सके हमारा समाज। उस समय ये एक खंडहर के रूप में ये स्थान हमें दिखाई दिया। बात को हम लोगों को मालूम हुआ कि ये स्थान सेठ फजलुर रहमान उस चुन्ना मियाँ का है। उसने हम लोगों के ऊपर अवैध रूप से कब्जा करने के कारण एक मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा भी चलता रहा और हमारी उपासना भी इस क्षेत्र में होती रही। इसमें उसके उपरांत मुनि हरमिलापी जी महाराज सेठ फजलुर रहमान और चुन्ना मियाँ को मंदिर में आमंत्रित किया। उन्होंने अपनी वाक्यपटुता से चुन्ना मियाँ को इतना प्रभावित कर लिया कि उसने अपने मुकदमे सब वापस ले लिए और उसके उपरांत वो दैनिक वो भी आने लगे और ये स्थान पंजाबी समाज को अर्पित कर। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हाँ, ऐसे चुन्निया मैंने मंदिर में बुलाया था, नहीं उन्होंने जो ऊपर की ध्वजा फैल रही है वो उन्होंने रख पाई। ऐसा है, हमारे मंदिर में किसी प्रकार का कभी सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ, ना कोई ऐसी सांप्रदायिकता वाली यहाँ आग है। लेकिन सब प्रातः काल की बेला में आते हैं, आप प्रभात की आरती में भी आते हैं, सब आते हैं, कोई रोक नहीं। हम साप्ताहिक भंडारा यहाँ करते हैं गरीबों का, उसमें हिंदू भी खाने आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है हमारे यहाँ। मुसलमान भी दर्शन करने आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, हिंदू तो नित्यप्रति आते ही है, सभी बनवाया ही है, मुसलमान ने तो ये बनवाया ही है, इसीलिए सांप्रदायिक एकता की मिसाल हो गई। वहीं दूसरी तरफ बरेली की है बुद्ध वाली मस्जिद, जिसे पंडित दासी राम ने करीब 200 साल पहले बनवाया था। इस मस्जिद की चाबी एक मेन दरवाजे की पंडित जी करने रहती है। पंडित जी के अलावा यहाँ की देखभाल जो भी है मुतवल्ली मैं हूँ, यहाँ का जो भी देखभाल होती है वो मैं करता हूँ। और बुध वाले दिन यहाँ पर इतनी मतलब मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती हैं और लोग हर धर्म के आते हैं। सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस मस्जिद की बराबर में मंदिर है और आज तक यहाँ पर किसी किस्म का भी कोई भेदभाव पैदा नहीं हुआ। इस मोहल्ले के जितने भी लोग हैं वो इसको सहयोग देते हैं और इसको मानते भी हैं, इससे आदर भी करते हैं और मोहब्बत भी रखते हैं। ये मस्जिद हमारे फोर फादर्स ने बनवाई थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने ऐसी मान्यता मानी थी कि अगर हमारे औलाद हुई तो हम इस यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करेंगे। सुबह मेरी आँख 5 बजे खुल जाती है और मैं सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं मस्जिद का ताला खोलूं। ताला खोलने के बाद
क्योंकि लोग वहाँ आना शुरू हो जाते हैं, अगर उन्हें देर हो जाए तो वो घंटी बजाते हैं कि भाई पंडित जी मस्जिद खोलिए। सामने सुबह 4 बजे उठ के खोलना ये बहुत बड़ी एक खिदमत का काम है, ये विशाल है। मतलब ये इस तरीके एक दूसरे धर्म का आदमी इस चीज को मानता है और फिर उसकी मतलब देखभाल भी करता है और उसकी खिदमत भी करता है। पिताजी पंडित द्वारका प्रसाद बहुत इसकी देखभाल करते थे और एक खास बात ये थी, उस वक्त हम लोगों की स्थिति ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, चंदे से काम होता था, तो हमारे वाले साहब को ये शर्म नहीं थी कि वो अपनी धोली फैला के सब्जी मंडी में चले जाते थे कि भाई मस्जिद में ये काम होना है। हर कम्युनिटी में हर तरीके के लोग होते हैं सर, बहुत सारे लोग आते हैं, अरे आपके मोहल्ले में मस्जिद का क्या काम है, यहाँ तो सारे हिंदू रहते हैं। लेकिन हमने उनको बताया कि हमारी भावना से जुड़ा हुआ है ये खेल और हम इसको किसी को टच नहीं करने देंगे, पूर्वजों की धरोहर। यहाँ पे साहब सभी, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सब है, लेकिन कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे, ना हिंदू में भेदभाव है ना मुसलमान में भेदभाव। कितने सांप्रदायिक झगड़े हुए, लाठियां चली, पर दंगों की वह आग इन इमारतों को छू भी नहीं सकी। शायद इसीलिए कि ये धर्म स्थल किसी एक संप्रदाय के नहीं, ये सभी के हैं और इनका बस एक ही धर्म है, इंसानियत।